छतरपुर से एक अजीब से हादसे की खबर है, जहां जेसीबी के पहिए का टायर खोलने के दौरान नट टूट जाने के कारण टायर फिक गया, जिस कारण एक युवक की मौत हो गई। ये हादसा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया चंद्रपुरा में बुधोलिया क्रेशर पर जेसीबी में मैकेनिक का काम कर रहे मजदूर की अचानक बोल्ट टूट कर टायर फिकने से मौत हो गई। मजदूर जेसीबी के पीछे के पहिए का टायर खोल रहा था, इस दौरान नट टूट जाने के कारण टायर फिक गया, जिस कारण से उसकी मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके मामले की जांच शुरू कर दी है। उनके साथ में ये हुई है, हम तो मौके पर पहुंच नहीं पाए थे, मतलब उतनी समय हम पहुंच पाए 5 बजे लगभग पहुंच पाए। सुने हमको सुनवाई मिली है, ये नट बोल्ट खोल रहे थे, ठीक है, उसी समय टायर घल गया। एक क्रशर में जो जेसीबी काम कर रहे थे उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, जिसको रिपेयर करते वक्त हादसा हुआ है, जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत है। तो वहाँ पे जो व्यक्ति हैं भैयालाल रैकवार, एज अप्रॉक्सीमेट 35 के आसपास, उनकी डेथ हो गई है। उनका भी हम पीएम वगैरह करा रहे हैं और उसमें साक्ष्य अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।